आज इस घड़े को उठाने में भी मैं समर्थ नहीं होता रहा। लेकिन पिया जी, हाँ, आज तो मैं भी आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। मैं भी मजबूर हूँ, आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो तारा? मैं सत्य कह रही हूँ पिया जी, मैं आपके घड़े को स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के घर में निवास करती हूँ और आप एक भंगी के घर में रहते हैं, और मैं अपने मालिक के लिए हमेशा ईमानदार रहूंगी, कभी भी उनके धर्म को घटने नहीं दूंगी। इसी कारणवश आज मैं आपके घोड़े को स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्या तू उस बात को भूल गई तारा कि तू मेरी अर्धांगिनी हो? नहीं भूली, तू मेरी रानी हो तारा। सब कुछ याद है, हाँ। और उसी बात को याद करने के बाद आज मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपके घड़े को ना छू। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, वरना मेरा मालिक इंतजार करेगा, मुझे जाने दीजिए। सुनिए मेरी बात तारा, सुनिए। एरी एक बैराणी घड़ा ठवा दे, एक बैराणी घड़ा ठवा दे, यो जाता को ना ठाया। घड़ा थवा के हाथ धोलिए, घड़ा थवा के हाथ धोलिए, और ना लिए जल में। महाराज, हाँ, हाथ भी धो सकती हो, पैर भी धो सकती हो, जल के अंदर स्नान भी कर सकती हो, लेकिन आप एक बात भूल गए। हाँ, कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैं ब्राह्मण के घर में रहती हूँ और आप एक भंगी के घर में रहते हो। अगर मैंने स्पर्श किया तो मेरा धर्म घटेगा, और ये बात मेरे मालिक को पता चली तो वो घर से बाहर निकाल देगा प्रणाम। ये आज कैसी बातें कर रही हो तारा? सुनिए मेरी बात, कहिए, सुनिए। एरी घड़ा ठवा के हाथ धोलिए, घड़ा ठवा के हाथ धोलिए, के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दो, धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दो, धर्म बिगड़ जा मेरा। एरी धर्म कर्म के बारे में मने पाटा को न्या बेरा। तू भंगी घर नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। मेरी लाते कपड़े ना लाया मैं, लते कपड़े ना लाया ना, अनभंगी का खाया। एक जगह रह के पिया जी, किसने गाद बचाया। क्यों कर घड़ा ठवा दियो पिया जी, फिर जागी मेरी काया।
तारा जी, आज 30 रोज हो चुके हैं मैंने कालिया भंगी के घर का अन्न नहीं खाया है तारा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है महाराज, हाँ, कि वहाँ पर आप क्या करते हैं ये मैं नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपके घड़े को स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनिए तारा, कहीं सुनिए मेरी बात। वेरी जाथर थोड़ा बोझा भारी, जाथर थोड़ा बोझा भारी, क्यों कर गड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। वेरी कौन सी विधि तू मने बतावे, वा भी भर मिटा ले। जल में गोता मारे पिया जी, नीची नार झुका ले। जल में गोता मारे पिया जी, नीची नार झुका ले। वेरी जल में गोता मारन कारी, जल में गोता मारन का तने कौन सा यतन बताया। और तड़े सी हो बैठा ले, तू इतना दुख पाया, क्यों कर घड़ा ठवा दो पिया जी, मेरे जागी मेरी काया। वेरी हाथ धोलिए पैर धोलिए, हाथ धोलिए पैर धोलिए, और नालिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहो पिया तेरी, आई नहीं अकल में। मैं ब्राह्मण घर रहो पिया तेरी, आई नहीं अकल में। आज वक्त पड़े पे धोखा देगी, तेरा फर्क आ लिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जाए पल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जाए पल में। वेरी समय री समय के खेल बावेड़ी, समय समय के खेल बावेड़ी, या डलती फिरती छाया। कहे सुने की माने को ना, राजपाट ठुकराया, क्यों कर खड़ा थवा दो पिया जी, फिर जागी मेरी काया। और आइए परम आदरणीय रामेश्वर जी रसूलपुर निवासी, रामेश्वर जी रसूलपुर निवासी, उनकी तरफ से भी इस धार्मिक इस मार्मिक रागनी पर खुश होकर के 200 रुपए का मान सम्मान पुरस्कार इन दोनों कलाकारों को दिया गया है। रागनी अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपकी समझ में आ रही हो, तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के सम्मान में हो जाए, जोरदार ताली। तारा जी पिया जी, ये सब समय समय की बातें हैं, जिन बातों को आज तुम मुझे बताना चाहती हो,
जो तरकीब तू मुझे बताना चाहती हो, अगर उसी तरकीब को आप भी अपना लो तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा तारा। पिया जी हाँ, आप व्यर्थ की बातों में समय को मत गवाइए, मुझे मेरे घर जाकर के अपने मालिक की सेवा करनी है, उनका हुक्म बजाना है। आप मुझे जाने दीजिए, जो युक्ति मैंने आपको बताई है या तो आप इस तरह से अपने इस घड़े को उठा लीजिए, अन्यथा आप किसी और का इंतजार कीजिए। लेकिन महाराज, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकती हूँ। येरी सत का बंधन जीव के जिम्मे, सत का बंधन जीव के जिम्मे, जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के सजन मेरे तू, सुकरम के फल भोजा। सोच समझ के सजन मेरे तू, सुकरम के फल भोजा। जो नहीं अगत की बात विचारे, वो राम काटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख भी पिता का, गुरु मान सिंह ने दुख भी पिता का, कितना समय बताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के बीच सभा में गाया। कुकर खड़ा ठवा दू पिया जी, भिड़ जाके मेरी काया। ये एक बैरानी खड़ा ठवा दे, एक बैरानी खड़ा ठवा दे, जाता को न ठाया। बहुत बहुत धन्यवाद।